दोस्तों, अतीत की गोद में क्या क्या छिपा हुआ है हम नहीं जानते। जिस जगह पे आप रह रहे हैं, हो सकता है कि वहां करोड़ों साल पहले कोई डायनासोर रहा करता हो। अतीत में इतना कुछ छिपा है कि हम जितना भी अब तक जान पाए हैं वो 1% से भी कम है। उसी 1% को बढ़ाने के लिए आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज की जाती हैं, और इस वीडियो में बात करेंगे उन्हीं डिस्कवरीज में से कुछ ऐसी डिस्कवरीज की जो कि आपको पूरी तरह से सन्न कर देंगे। नंबर 10, स्टॉकहोम शिपरेक। कुछ ही दिनों पहले आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को कुंस्ट्राट गार्डन पार्क के नीचे एक शिपरेक मिला। ये शिपरेक लगभग 4 शताब्दियों से लोगों के कदमों के नीचे कुचला जा रहा था, लेकिन किसी को भी उसके बारे में पता नहीं चल पाया। इसके बारे में बहुत ज्यादा खोज करने पे पता चला कि ये सैमसन है। सैमसन एक शिप है जो कि काफी दिनों से खोया हुआ था। इसे चार्ल्स 9th के साथ जोड़ा जाता है। अभी इस बारे में कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है, लेकिन अगर इस शिप की डायमेंशन को देखा जाए तो ये बिल्कुल खोए हुए शिप की तरह ही नजर आता है। इस शिप की डायमेंशन 30 मीटर की है। तो दोस्तों, अब आपके मन में सवाल तो आ ही रहा होगा कि इतना बड़ा शिप आखिर एक टाउन के नीचे कैसे पहुंचा। पहले कुंस्ट्राट गार्डन एक बंदरगाह हुआ करता था जहां पर सैमसन जैसे शिप रुका करते थे। बाद में वो सूखता चला गया और सैमसन कूड़े के ढेर में धंसता चला गया। सैमसन को ढूंढा बहुत गया क्योंकि एक ट्रांसपोर्ट शिप भी था और एक वॉरशिप भी था। नंबर 9, 1,20,000 ईयर ओल्ड फुटप्रिंट्स। इस दुनिया में इंसानों का पहला अस्तित्व 1,20,000 साल पहले नोटिस किया गया था। अगर आपको उस टाइम के किसी व्यक्ति से मिलवा दिया जाए तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? दोस्तों, उस समय का व्यक्ति तो नहीं, लेकिन आप उस समय के फुटप्रिंट देख सकते हैं। ये रहे वो फुटप्रिंट्स। ये फुटप्रिंट सऊदी अरब में मिले हैं, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब में सबसे पुराने इंसानों के होने के एविडेंस मिले हैं। सऊदी अरब में जहाँ पर नेफर्ड रेगिस्तान है, वहाँ पर पहले एक झील हुआ करती थी जिसका नाम था अलंथार झील। इस रेगिस्तान के आसपास कई फुटप्रिंट पाए गए हैं क्योंकि यहाँ कई जानवर पानी पीने आया करते थे। इनमें से कई फुटप्रिंट 88,000 साल पुराने भी हैं। कई वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि सऊदी अरब पहले एशिया से अफ्रीका तक के पलायन का रास्ता हुआ करता था। नंबर 8, माया स्लेव शिप। इस साल सितंबर में मेक्सिको नेशनल यूनिवर्सिटी के साथ काम कर रही आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को जमीन में दबी हुई एक वेसल मिली। ये वेसल पिछली शताब्दी की है और स्लेव यानी कि दासों को ट्रांसपोर्ट करने के काम में प्रयोग की जाती थी। इस शिप से जुड़े कुछ हिस्सों को 2017 में ही ढूंढ लिया गया था, लेकिन 2017 में मिले ये हिस्से ठीक ढंग से शिप के पर्पस को डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। हालांकि इस शिप का पर्पस दासों को ट्रांसपोर्ट करना था, और ये तकरीबन 25 से 30 दास हर महीने ही ट्रांसपोर्ट कर देती थी। ये एक स्पेनिश कंपनी का शिप था जो कि मायान लोगों को जमीन और आजादी का लालच देकर चीनी के खेतों में काम कराया करते थे। एक दिन इस शिप का बॉयलर फट गया और ये समुद्र में डूब गया। नंबर 7, नियोलिथिक हाउस। इस साल आयरलैंड के कॉक में आर्कियोलॉजिस्ट कुछ रूटीन काम कर रहे थे और उन्हें एक हैरान कर देने वाली चीज मिली कि एक नियोलिथिक हाउस था जो कि लगभग 5,700 साल पुराना था। इस हाउस को 3,700 साल BC में खेती करने वाले किसानों द्वारा बनवाया गया था। इस घर में आर्कियोलॉजिस्ट को एक होल भी मिला जिसमें किसान अक्सर अपना खाना रख दिया करते थे ताकि वो जुर्म की दुनिया के लोगों को खुश रख सके। इसके साथ ही इस घर में सन 200 के कई औजार भी मिले हैं। नंबर 6, बिग वॉइड। परुआ खुफू के लिए बनाया गया गीजा का पिरामिड दुनिया के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले मॉन्यूमेंट्स में से एक है। हालांकि दोस्तों, इस 4,000 साल पुराने पिरामिड में क्या है ये आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। खुफू की मम्मी का आज तक पता नहीं चल पाया है। इसमें सबसे ज्यादा हैरान करने वाली खोज थी बिग वॉइड की। ये कैविटी है जो कि लगभग 100 फुट लंबी है। ये पिरामिड की गैलरी के नीचे दबी हुई है और इसका संबंध स्पेस से बताया जा रहा है। हालांकि इसके पीछे का रहस्य कोई नहीं जानता। आने वाले समय में ये स्पेस और इंसान के बीच एक नए डायमेंशन के रास्ते भी खोल सकती है। हालांकि अभी इस पिरामिड के अंदर जाना इसे बर्बाद करने जैसा होगा। नंबर 5, फोनिशियन वाइन प्रेस। दोस्तों, वाइन जितनी पुरानी होती जाती है वो उतनी ही शानदार होती जाती है, लेकिन क्या ये फैक्ट वाइन की भट्टी पर भी लागू होती है? आर्कियोलॉजिस्ट को वाइन की एक भट्टी लेबनान में मिली जो कि लगभग 2700 साल पुरानी है। 8 मीटर गहराई वाली ये भट्टी कई शताब्दियों तक वाइन प्रोड्यूस करने के काम में लाई गई है, और ये अभी भी काफी शानदार हालत में है। इसे एक पहाड़ी पे बनाया गया था जहां से पूरे गांव को वाइन की सप्लाई दी जाती थी। इतना ही नहीं, यहाँ के वाइन को आगे यूरोप और अफ्रीका में भी सप्लाई किया जाता था। ये वाइन की भट्टी 2700 साल पहले के लोगों की स्किल का एक नमूना पेश करती है। इसे खास तरह के मटेरियल से बनाया गया है ताकि ये प्राकृतिक रूप से हमेशा प्रोटेक्टेड रहे। 4,48,000 ईयर ओल्ड टूथ। दोस्तों, हम सबकी बचपन में आदत हुआ करती थी कि हम अपने दूध के दांतों को जमीन में दबा दिया करते थे, और क्या आप जानते हैं, ऐसा आज से नहीं होता रहा।
आर्कियोलॉजिस्ट को 48,000 साल पुराना दांत मिला है जो कि नियांड्रथल प्रजाति के हैं। ये दांत किसी 11 से 12 साल के बच्चे के दूध का दांत है। इस दांत ने ह्यूमन इवोल्यूशन में तहलका मचा दिया है। नियांड्रथल इस दुनिया में 48,000 साल पहले थे और उसके बाद जलवायु परिवर्तन के कारण गायब होते चले गए। नियांड्रथल के इस तरह गायब होने के पीछे क्या कारण है उसका पता शायद वैज्ञानिकों को इस दांत से लग जाए। नंबर 3, ओल्डेस्ट चर्च इन होली लैंड। जेरूसलम से करीब 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह चर्च दुनिया के सबसे पुराने चर्चेज में से एक है। पहले मेगिडो एक बहुत बड़ा शहर हुआ करता था जो कि इसराइल के राजवंश का हिस्सा था, लेकिन अब यहाँ केवल अवशेष ही बचे हैं। इस शहर में दुनिया का सबसे पुराना चर्च है। ये यीशु की मृत्यु के केवल 200 साल के अंदर ही बन गया था और ये इसराइल के साम्राज्य द्वारा आधिकारिक तौर पर ईसाइयत स्वीकार करने के 100 साल के पहले ही बन गया था। यह आज भी एक बड़ा रहस्य है कि इसे क्यों बनवाया गया। हालांकि यहाँ एक मैन्यूस्क्रिप्ट है जो इसे बनवाने वाले के बारे में बताती है। नंबर 2, एंशिएंट बीच फॉरेस्ट। पिछले दशक खराब मौसम के कारण एक 4,500 साल पुराना बीच ढूंढ लिया गया। वेल्स और आयरलैंड में आए एक तूफान ने समुद्र के किनारे की काफी रेत को हटा दिया, जिसके नीचे एक अलग ही तरह के पेड़ नजर आए हैं। ये पेड़ काफी पुराने हैं और ये रिसर्च की जा रही है कि आखिर ये पेड़ हैं किस जमाने के। इस बारे में रिसर्च कर रहे डॉक्टर ने बताया कि ये जंगल लगभग 1500 BC के हैं। उन्होंने आगे बताया कि ये एक्साइटिंग है क्योंकि ये नई दुनिया के बारे में बता रहे हैं और ये चेंजेस डराने वाले भी हैं क्योंकि आने वाले समय में मौजूदा पृथ्वी पे कभी भी क्लाइमेट चेंजेस आ सकते हैं। नंबर 1, प्रीहिस्टोरिक एक्सटिंक्ट सोसाइटी। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन द्वारा पब्लिश की गई स्टडीज के मुताबिक इंसानों के अस्तित्व में आने के भी लगभग 3 साल पहले एक तरह के इंसान हुआ करते थे। ये मॉडर्न ह्यूमंस के काफी क्लोज रिलेटिव हैं। इस प्रजाति के सभी तरह के निशान अब तक केवल इंग्लैंड के ससेक्स में ही मिले हैं। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों ने यह भी पता लगा लिया है कि ये ससेक्स में ही अब तक क्यों मिले हैं। दरअसल ससेक्स में ये ऐसी जगह पे मिल रहे हैं जहाँ पर सीधा पर्वत और समुद्र आमने सामने हैं। यहाँ शिकार करना काफी ज्यादा आसान होता है। इस तरह की प्रजाति मिलना इंसानों के लिए डर की बात है। हालांकि आने वाले सालों में इनके बारे में और भी रिसर्च की जाएगी। तो दोस्तों, ये थे दिमाग सन कर देने वाले आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।